हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा आप तक कुछ जानकारी पहुंचा दी जाए। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे सेंटर ऑफ ओरिजिन हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे आते हैं, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो उनमें चाइना जो है वो किस किस का ओरिजिन माना जाता है? अब देखो, चाइना थोड़ा लालची सा है, ठीक है, और हमारी सीमा के आसपास मंडराता रहता है ना, और साथ साथ बड़ी मीठी 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 मतलब बातें जो है बड़ी मीठी मीठी करता है, और साथ ही साथ अपना पूरा माल जो है अपने इंडिया में बेचता भी है ना। कुछ टाइम तक मीठी मीठी बातें करेगा, लेकिन बाद में वो दिक्कत क्रिएट करने लगता है, यानी कि बॉर्डर के आसपास मंडराता रहता है। तो अगर देखेंगे तो लीची है, ठीक है, इसके अलावा मैंडारिन है, यानी मंडराना मैंडारिन हो गया, और मीठी मीठी बातें करता है, ठीक है, स्वीट ऑरेंज हो गया। इसके अलावा हमने कहा था अपने माल को भी बेचता है, तो एक और है मलबरी हो गया, ठीक है, और समय समय पर सीमाओं को काटता रहता है, तो लोकाट हो गया, पीच हो गया, एप्रिकॉट हो गया, और यहाँ तक कि यूरोपियन प्लम पर भी अपना अधिकार किए हैं, तो यूरोपियन प्लम हो गया। तो आप याद कर सकते हो, यूरोपियन प्लम, एप्रिकॉट, ठीक है, पीच है, और साथ ही साथ कौन सा है आपका, लीची है, स्वीट ऑरेंज है, परसिमोन है, मलबरी है, इन सबका जो ओरिजिन है वो इंडिया माना जाता है, ठीक है। आसपास ऑफिस में काफ़ी लोग रहते हैं, ठीक है, तो एक ये हर टाइम चालू हो जाता है तो आप तक जानकारी पहुँचती रहनी चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया जो है वो ओरिजिन माना जाता है बेल का, बेल, ठीक है, जैक फ्रूट है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो कागजी लाइम है और फालसा है। तो फालसा, कागजी लाइम, जैक फ्रूट और बेल, इनका ओरिजिन माना जाता है इंडिया। बेर का भी ओरिजिन इंडिया ही होता है, इंडो चाइना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। जामुन का भी इंडो चाइना होता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साथ ही साथ कभी कभी पूछ सकता है कि ब्राज़ील किसका ओरिजिन होता है, तो ब्राज़ील जो है काजू का ओरिजिन होता है, पाइनएप्पल का ओरिजिन होता है, और पैशन फ्रूट का होता है। तो काजू जो है, क्या याद रखिएगा, पाइनएप्पल और आपके काजू, पाइनएप्पल, और इसके अलावा आपका हो गया पैशन फ्रूट, इन सबका ओरिजिन क्या है, इन सबका ओरिजिन ब्राज़ील है। अगर बात करेंगे ट्रॉपिकल अमेरिका की, तो ट्रॉपिकल अमेरिका जो है वो किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा पपाया का, ठीक है, और साथ साथ जो भी मैक्सिको रीजन है, यानी कि टमाटर है, आलू है, इन सबका लगभग ट्रॉपिकल अमेरिका ही हो जाता है, याद रखिएगा। मैक्सिको की और बात करेंगे तो सपोटा और एवोकाडो, ये भी क्या है, इनका भी ओरिजिन मैक्सिको ही मानते हैं, मेज का ओरिजिन भी मैक्सिको मानते हैं। गुआवा जो है ये बेसिकली देखा जाए तो पेरू रीजन का हो जाता है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे तो बनाना है, कोकोनट है, पोमेलो है, बनाना, कोकोनट, पोमेलो, इनका क्या है, इनका है साउथ ईस्ट एशिया। वेस्ट एशिया की बात करेंगे तो डेट पाल्म और फिग, इनका वेस्ट एशिया है, ये आप कह सकते हो इनका इराक है, ठीक है, इराक जो है वो इन्हीं का है। और मैंने कुछ लिख रखे थे, हाँ, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की अगर बात करेंगे तो अलमंड जो है वो अफगानिस्तान है, यानी कि अफगानिस्तान किसका ओरिजिन माना जाता है, अलमंड का। ईरान की बात करेंगे तो अनार का, और चाहे इंडो चाइना, हाँ, इंडो चाइना जो बात करेंगे तो वालनट है इंडो चाइना, और आपका ये जामुन है, ठीक है, और एक और है बेर है, ठीक है, इनका भी क्या है, इंडो चाइना है, ठीक। इंडो बर्मा की बात करेंगे तो इंडो बर्मा में आपका आता है, जैसे हम लोग बोल देते हैं मैंगो है, ठीक है। इसके अलावा इंडो आपका पेनिकल जिसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, मैंगो का भी होता है, राइस, राइस का और मैंगो का, दोनों का हम लोग इंडो बर्मा मान लेते हैं, ठीक। साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया में एक और आता है जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, बनाना बोल देते हैं, तो वो उसका भी इंडो बर्मा मान सकते हैं, बेसिकली उसका साउथ ईस्ट एशिया ही होता है, ठीक है, मलेशिया रीजन उसका ओरिजिन मान लेते हैं। यूएसए की बात करेंगे तो पीका नट यूएसए है, ठीक है, और यूरोप, पियर का यूरोप है, और जापान का क्या है, प्लम है, ठीक है, ओके। तो मैंने कुछ चीज़ें साइड में लिख ली थी ताकि मुझे वीडियो में याद आ जाए। तो ये काफ़ी ओरिजिन इंपॉर्टेंट है, इतने तो कम से कम याद ही रखिएगा ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप आराम से कर लें, अपना ख्याल रखिएगा। कुछ और भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा।